अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शहबाज, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ सिटी न्यूज 24x7 में। आइए नाजरीन, डालते आज का अहम खबर पर एक नज़र। को फलकनुमा पीएस लिमिट मुस्तफ़ा नगर में एक खातून की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में उनका मौत हुआ। उस लेडी का नाम है शरीन फातिमा, 32 ईयर्स ओल्ड, वही मुस्तफ़ा नगर में रहते। वो फंक्शंस में गाना गाना और डांस करके जीती है। उनके पहले हस्बैंड का इंतकाल हो गया और उनके बच्चे भी हैं, और एक आदमी से वो लिव इन रिलेशनशिप में है, मोहम्मद अफसार, कैब ड्राइवर, चंचलगुड़ा का रहने वाला। और इन दोनों में बहुत दिन से थोड़ा झगड़ा भी हो रहे थे। वो उसको शादी करने के लिए उनको प्रेजराइज कर रही है, वो इनकार कर रहा है। सैटरडे नाइट को लंगर हाउस में एक फंक्शन में गाना गाने के लिए गई, वहाँ से ये अफसार और उनका दोस्त नायद दोनों लेडी को वहाँ से पिकअप करके मुस्तफ़ा नगर में लाए, और रात को दोनों के बीच में झगड़ा हुए। इनका मेन एक है कि वो लड़की को वो गाना और नाचना वो छोड़ने का उनका इरादा है नहीं, लेकिन वो मना कर दी। और दूसरा उनका सस्पिशन भी है कि उसको औरों के साथ भी कुछ रिलेशनशिप है, और इनका लेडी का है कि वो उसे शादी करे। तो इसमें डिफरेंसेस आए इनके बीच में, और उस दिन रात को वो पी के शराब की नशे में उनको गला दबा के पहले बेहोश हो गए। उसके बाद उसको फ्रेंड है जो दोस्त बाहर नहाए थे उनको भी बुला के और उसकी चुन्नी से गले में डाल के उसको कत्ल किया। इसमें दोनों को गिरफ्तार किए और अभी अदालत में पेश करेंगे। सर, कुछ महीने पहले छतरीनाका पुलिस स्टेशन पीएस में और डबिलपुरा पीएस में लेडी कंप्लेंट कराए थे, तो वहाँ पर एक्शन लेते तो क्या ये आइडेंटिटी डिफरेंट लाइन बताई, लेकिन जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो बताया कि वो नाइट में वहाँ से फंक्शन हॉल से वहाँ ले गए थे। इंतकाल होते हम क्या नहीं बोल सकते, दोनों लिव इन में है बहुत दिन से। उनका दोनों इसका 5 महीने का एक बच्चा है, इन्हीं के साथ वो बच्चा का पैदाइश भी हुआ, हो सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। सर, नाहिद और जाफर के दोनों साथ साथ रह रहे थे सर, वही उनका दोनों बीच में झगड़े हुए, और वो बोल रहा कि वो ये गांजा लाए। इसमें दोनों को गांजा और शराब दोनों बहुत फ़र्क है, नहीं सर, दोनों डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है, दोनों मिला के बात नहीं कर सकते। Thank you.